हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड थर्ड लेक्चर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारा लेक्चर नंबर 3। अब लेक्चर नंबर 3 में एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं बच्चों यहाँ पर नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम क्या पढ़ने वाले हैं? नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देख लेते बच्चों यहाँ पर नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो यहाँ पर नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही ईजी है। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका अब हमको जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग लिखते थे उसका हमको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। मतलब कौन सा करना है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लिख दिया। कौन सा नोमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं मैं? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं, ठीक है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं, ना कि कॉमन नेम की। तो इस बात को ध्यान रखो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ठीक है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो समझते हैं एक एक करके। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं। जनरली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जनरली आप लोग करते क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग में? आप लोग करते क्या है जनरली? आप सबसे पहले हमेशा कैटायन का नेम लिखते हैं, उसके बाद आप किसका नाम लिखते हैं? एनायन का। तो जनरली मैं बोलूँगा कि हमेशा फर्स्टली हमको किसका नाम लिखना पड़ता है? फर्स्ट हमको यहाँ पर, जैसे मेरे पास जनरली आप बचपन से लिखते आ रहे हो K2CO3, जैसे एग्जांपल में K2CO3 मैंने लिया, इसका नाम क्या बोलोगे आप? पोटेशियम कार्बोनेट बोलोगे ना? इसका नाम पोटेशियम कार्बोनेट आपका होगा 100%। इसका नाम पोटेशियम कार्बोनेट होगा। तो पोटेशियम कार्बोनेट कैसे? क्योंकि आपने एनायन का नाम पहले लिया, वो कैटायन का नाम पहले लिखा, देन आपने एनायन का नाम लिखा। ये इस पर मैटर नहीं करता कि आपका एनायन कॉम्प्लेक्स है या कैटायन कॉम्प्लेक्स है, इस पर मैटर नहीं करता। केवल और केवल सबसे पहले हम फर्स्ट वी विल राइट द नेम ऑफ कैटायन, देन आफ्टर राइट नेम ऑफ एनायन, ठीक है? नेम ऑफ एनायन। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? हम सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? कैटायन का नाम लिखेंगे, ठीक है? हम सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, देन आफ्टर हम एनायन का नाम लिखेंगे। ये हमारा सबसे पहला रूल होगा, सबसे पहला और सबसे सिंपल। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। अब हमारा कॉम्प्लेक्स कहाँ आ रहा है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, उसको हमको समझना है बारीकी से। तो समझते हैं, यहाँ पर एक हमारा हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ध्यान से समझना, एक हमारा हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स वाला एक हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एक हो गया हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कौन सा बच्चों? जिसके ऊपर आपका कैटायन है और जिसके ऊपर आपके एनायन है। जैसे आप देखना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, एक आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ये दो पार्ट में बन सकते हैं। जैसे देखो मैं एक एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, K4FeCN6, ठीक है? और यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ। एग्जांपल के साथ साथ हम रूल के साथ साथ नाम लिख देंगे एक, फिर हम समझ जाएंगे, ठीक है ना? या फिर मैं बोल देता हूँ यहाँ पर CrNH3 CrNH3 6 Cl3, ठीक है? ये दो नाम है। अब सबसे पहले मुझे इसमें कैटायन और एनायन का नाम लिखना है। तो सबसे पहले इसको मैं दो पार्ट में तोड़ूंगा। सबसे पहले मैं इसको कितने पार्ट में तोड़ूंगा बच्चों? दो पार्ट में तोड़ो बच्चों, इसको दो पार्ट में, इसको कैटायन में तोड़ो, 4K+, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों? FeCN6 4-, ठीक है? ये मैंने लिख दिया, ठीक है? इसका क्या लिखोगे बच्चों? CrNH3 6 3+, और यहाँ पर क्या लिखोगे? 3Cl-, ये मैंने लिख दिया इस तरीके से, ठीक है? तो अब इसमें पहले वाले में कैटायन कौन है? K+, और एनायन कौन है? ये वाला। दूसरे वाले में कैटायन कौन है? ये है, और एनायन कौन है? ये है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा।
तो सबसे पहले हमको कैटायन का नाम लिखना पड़ता है, उसके बाद हमको एनायन का नाम लिखना पड़ता है। अब देखो यहां पर जो आपका कॉम्प्लेक्स का नाम हम कैसे लिखेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब देखो कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखने का तरीका, सेकंड नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखने का तरीका, सबसे पहले हम यहाँ पर किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब देखो कॉम्प्लेक्स पार्ट में चाहे हमारा कुछ भी हो, फर्स्ट वी विल राइट द नेम ऑफ लिगेंड। अब यहाँ से आपको समझना है कि सबसे पहले हमको लिगेंड का नाम लिखना है। सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों, लिगेंड का नाम लिखना है। अब लिगेंड का नाम, कल मैंने कुछ लिगेंड के नाम आप लोगों को लिखवाए थे, उससे आपको लिगेंड का नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका यहाँ पर X माइनस को हम क्या बोलते हैं, हेलो। ठीक है, ये IUPAC नेम है। अब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिगेंड और IUPAC नेम। अब आपको आधे लिगेंड के नाम भी पता है, तो CN को हम क्या लिखते हैं, ठीक है CN को हम लिखते हैं साइनो, या फिर कहीं कहीं बुकों में आपको क्या मिल जाएगा, साइनाइडो ऐसा भी मिल जाएगा। ठीक है, NC- को हम क्या लिखेंगे, आइसोसाइनाइडो, ये आपका हो गया। ठीक है, ये पहला एग्जाम, ये इस तरीके से हमको नाम लिखना है। अब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबके नाम। थर्ड, अगर मैं बात करूँ थर्ड वाला, अगर मैंने बोल दिया X माइनस के लिए हम लिगेंड का नाम क्या लिखेंगे, ये लिगेंड के नाम लिखने का है, लिगेंड के नाम है ये लिगेंड दिखेंगे और इसका नाम ये है। ठीक है, ये ऑब्लिक करके लिखा है मैंने। अब यहाँ पर X- को क्या लिखेंगे, हेलो। अगर आपका क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा ब्रोमो, आयोडीन होगा आयोडो, फ्लोरीन होगा फ्लोरो। ठीक है, फोर्थ हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर नाम, फोर्थ नाम मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, फोर्थ नाम यहाँ पर H2O को हम क्या लिखेंगे, एक्वा। H2O को एक्वा, अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम याद भी हो जाएगा हमको, ये चिंता वाली कोई बात नहीं है। H2O के लिए एक्वा, अब देख लेते हैं यहाँ पर लिगेंड। IUPAC नेम H2O के लिए एक्वा। फिर फिफ्थ OH- को बोलेंगे हाइड्रोक्साइडो, क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्साइडो। अब देखो जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, अभी तुमको इसी में एनालिसिस कराऊंगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइडो। सिक्स हम लिखेंगे NH3 को अमाइन। सेवंथ ONO को हम लिखेंगे नाइट्राइटो या फिर ओ नाइट्रो। ठीक है, एट्थ NO2 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नाइट्रो। ठीक है, इसके बाद NO2- ये माइनस। ठीक है, यहाँ पर हो गया एट्थ। नाइन्थ समझते बच्चों, नाइन्थ हम यहाँ पर लिख लेंगे H2O एक्वा, और यहाँ पर SCN- को हम लिखेंगे थायोसाइनाइडो। टेंथ हम क्या लिखेंगे NCS- को आइसो थायो, ये पहले भी लिखवाया है, फिर से आप एक बार प्रैक्टिस करो आइसो थायो साइनाइडो। ठीक है, इलेवंथ में आप कैसे लिखोगे बच्चों, मैं इस तरीके से लिखता जाऊंगा, आप लोग इसको लिखते जाइए, आप लोग यहीं पर मैं रब करता जाऊंगा, मैं इस तरीके से लिखता जाऊंगा NCS- के बाद आप लोग समझ जाइए इसको लिखेंगे। देखो यहाँ पर
CNO माइनस, इसको बोलेंगे साइनेटो, साइनेटो इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों यहाँ पर, साइनेटो, ठीक है। CNO माइनस बहुत सारे नेम है बच्चों, मैं आपको लिखा देता हूँ, CNO माइनस को साइनेटो, और NCO माइनस को 12th, NCO माइनस को आइसोसाइनेटो, आइसोसाइनेटो ये हो जाएगा इसका नाम, आइसोसाइनेटो NCS माइनस आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है, ये नाम को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो सिंपल वाले के मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ इसको रब नहीं करता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, CN माइनस NC माइनस, ये सारे याद करने हैं बच्चों आपको, सारे एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे H2O 1 2 3 4, ठीक है। अब माइनस साइन ये हो गया, ये आप लोग इसको कर लेना, ये मैंने गलत लगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया 12th। 13 का नाम बता देता हूँ मैं, N3 माइनस को बोलेंगे नाइट्राइडो, नाइट्राइडो, ठीक है। 14 P3 माइनस को हम बोलेंगे फोस्फाइडो, फोस्फाइडो, ठीक है, P3 माइनस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, फोस्फाइडो, ठीक है। अब इसके अलावा देख लेते हैं बच्चों, और भी नाम हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, 15 O2 माइनस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्साइडो, 16 O2 माइनस को हम क्या बोलेंगे, पर ऑक्सो भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सो बोलो, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सो बोल दो इसको, या फिर पर ऑक्सो बोल दो, ठीक है। अब यहाँ पर वो OH माइनस हो गया, ठीक है, F माइनस, CL माइनस, ठीक है। CO3 2 माइनस 17, CO3 2 माइनस इसको बोलेंगे कार्बोनेटो, इसको बोलेंगे कार्बोनेटो। 18 का नाम आपका क्या हो जाएगा, S2 माइनस को हम बोलेंगे सल्फाइडो, ठीक है। 18 के बाद 19 में आपको बता रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, ये सारे आपको इस तरीके से ही याद होने चाहिए। अब देखो 19 में मैं यहाँ पर देख लेता हूँ बच्चों, हाँ, NH2 माइनस को हम क्या बोलेंगे, अमाइडो, और 20 NH-2 उसको बोलेंगे इमीडो, ठीक है, इमीडो। 21 CO को हम बोलेंगे कार्बोनिल, ठीक है। 22 हम यहाँ पर NH3 को बोलेंगे अमाइन, NH3 को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, अमाइन, NH3 लिखवा दिया, चलो ठीक है, NH3 मैंने लिखवा दिया है यहाँ पर CO। और कुछ इम्पोर्टेंट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, PPS3 इसका नाम होता है ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, NO को हम क्या बोलेंगे, NO प्लस को हम बोलेंगे नाइट्रोसिल, ठीक है। 24 में हम NO2 प्लस को बोलेंगे नाइट्रोसिल, ठीक है, NO प्लस को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल, ठीक है। इतना नाम आप लोगों के लिए काफ़ी है, शायद इतना नाम आप लोगों के लिए काफ़ी है, इनफ है, इतना नाम आपको याद रखो। अब बात क्या आती है एक्चुअली, अब आप लोग इसमें गौर करोगे कि आप लोगों को कौन कौन से, मतलब किस किस में किस तरीके से नाम हो रहे हैं। अब आप गौर करो इसमें जितने भी माइनस वाले उसके नेम के एंड में जितने भी नेगेटिव चार्ज लिगेंड है उसका नाम के आखिर में ओ है। देखो CN माइनस ओ, ये माइनस है ओ, ये न्यूट्रल है, ठीक है, माइनस है ओ न्यूट्रल है, माइनस है ओ, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, माइनस है तो ओ ओ ओ ओ, या फिर आइडो भी हो सकता है, या फिर एटो भी हो सकता है, या फिर ATO लगा दिया जाता है, या फिर आई डी ओ, देखो यहाँ पर IDO लगाया है,
तो यहाँ पर ITO, तो इस तरीके से ATO, मतलब एंड में O जरूर होगा, ठीक है। इस तरीके से नाम आप एक बार मगअप करो, आपको याद हो जाएगा, नाम आपको याद करना ही पड़ेगा। और न्यूट्रल का नाम, न्यूट्रल लिगेंड का नाम हम कैसे लिखेंगे, सिंपल, जो उसका एक्चुअल नाम होता है, CO का नाम होता है कार्बोनिल, PS3 का नाम क्या होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ठीक है। NO प्लस का नाम, तो न्यूट्रल लिगेंड का नाम H2O को एक्वा लिखेंगे, थोड़ा स्पेशल है अब यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नाम लिखते हैं, ठीक है। और बाइडेंटेड का नाम मैंने आपको पहले बता रखा है, पहले के लेक्चर में मैंने बाइडेंटेड वाले लिगेंड का नाम बता रखा है, ये सारे यूनिडेंटेड वाले लिगेंड है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ खास बातें हैं, इसमें भी कुछ खास बातें वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। इसमें भी कुछ खास बातें वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, पहले इतना नाम आपको याद होना चाहिए, मगअप होने चाहिए अच्छे से। अब देखो लिगेंड का नाम तो मैंने आपको बता दिया, वो यूनिडेंटेड वालों का नाम मैंने बता दिया, ठीक है, यूनिडेंटेड फ्लेक्सिडेंटेड, ठीक है। अब समझो यूनिडेंटेड फ्लेक्सिडेंटेड वो सब मैंने इसी के अंदर मैंने सब बता दिया, इसी के अंदर आपको याद रखना है। इतना आप लोगों ने अगर नाम याद रख लिया तो आप लोगों को सब आ जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखो बस, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं बच्चों यहाँ पर बाइडेंटेड, बाइडेंटेड वाले का नाम आप लोग जानते हो, बाइडेंटेड लिगेंड का पहला वाला था यूनिडेंटेड वाले का नाम। अब देखो बाइडेंटेड वाले में एक तो तुम लोग यहाँ पर वो EN का फॉर्मूला NH2CH2CH2NH2 ये याद रख लेना, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन डाई अमाइन, ठीक है। OX क्या होता है बच्चों, OX का C2O4 2-, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सलेटो। कल मैंने शायद से स्ट्रक्चर भी बनवाया था, ठीक है। एक होता है बच्चों GLY क्या होता है बच्चों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है बच्चों यहाँ पर CH, देखो CH3 CO O-CH2NH2 ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे ग्लाइसिनेटो, क्या बोलेंगे ग्लाइसिनेटो, एटो लगाएंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद था हमारा एसी, उसका नाम क्या होता है एसीटाइल एसीटोनेटो, ठीक है, एसीटाइल एसीटोनेटो। और उसके बाद कौन सा था हमारा डीएमजी का नाम क्या होगा, डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। डाई मिथाइल आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाएगा डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइम। इसका पूरा मतलब जो नॉर्मल नाम होता है वो क्या होता है बच्चों, डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइम, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइम ग्लाइकोक्साइमेटो, ठीक है, डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइमेटो, ठीक है, ये इसका नाम आपका हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमारे यहाँ पर नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये कॉमन नेम है जो आपको ध्यान रखने हैं। और इसमें भी आप लोगों को बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड में आपको इसका नाम ध्यान रखना है, पॉलीडेंटेड में आपको इसका नाम ध्यान रखना है फिलहाल तो अभी EDTA को हम क्या बोलेंगे, इथाइलिन डाइअमाइन, कल ही बताया था मैंने इथाइलिन डाइअमाइन। अगर यहाँ पर EDTA आपका 4- है, ये इम्पोर्टेंट है, इनको तो याद रखना है, टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। अगर मैंने EDTA 3- लिया तो क्या लिखेंगे, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेटो, ये हो जाएगा इसका नाम। ये जो मैंने नाम लिखा है ये इंपॉर्टेंट नेम है, इन सबको याद रखना है आप लोगों को, जो भी मैंने अभी लिगेंड के नाम लिखा है, ऑल अबो नेम ऑफ लिगेंड आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब लिगेंड का नेमिंग तो मैंने आपको बता दिया, अब कुछ एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि लिगेंड के नेमिंग लिखते वक्त कि यहाँ पर ध्यान से समझना, लिगेंड का नेमिंग लिखा, सबसे पहले लिगेंड को आइडेंटिफाई किया, लिगेंड को क्या क्या किया, आइडेंटिफाई द लिगेंड, सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द लिगेंड, हम आइडेंटिफाई करेंगे लिगेंड को। अब लिगेंड के नेमिंग का तरीका बता रहा हूँ, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई द लिगेंड,
लिगेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब लिगेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके नंबर, अगर एक लिगेंड होगा तो मोनो, ठीक है, इफ इफ वन लिगेंड तो क्या यूज करेंगे, मोनो, ठीक है, मोनो या फिर कुछ भी, यहां पर एक के लिए कुछ नहीं करेंगे यूज, दो के लिए डाई। तीन लिगेंड होंगे सेम टाइप के तीन होंगे, अगर सिमिलर टाइप के, टू लिगेंड सिमिलर तो उसको एक साथ क्या लिखेंगे, डाई, और थ्री लिगेंड सिमिलर होंगे उसको क्या लिखेंगे एक साथ बच्चों हम लोग, ट्राई। अगर चार लिगेंड आपके सिमिलर होंगे उसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, चार लिगेंड सिमिलर होंगे उसको हम क्या लिखेंगे, टेट्रा। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिमिलर लिगेंड को हम डाई ट्राई टेट्रा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पहला कंडीशन है, इफ इफ इन इफ यहाँ पर बोल सब हो सकते फॉर 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 बाइडेंटेड लिगेंड वी विल यूज डाई की जगह हम क्या यूज करेंगे बच्चों, बिस। ट्राई के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्राई के लिए ट्रिस। टेट्रा के लिए हम क्या यूज करने वाले बच्चों, टेट्राकिस। और इसी तरीके से पांच के लिए पेंटाकिस। इतना नहीं आता है, इतना ध्यान रखो, ठीक है, आइडेंटिफाई द लिगेंट और उसका नाम। हाँ, अगर कभी एक से ज्यादा लिगेंट हो, इफ इन कॉम्प्लेक्स मोर देन वन लिगेंट आर प्रेजेंट, क्या मोर देन वन लिगेंट्स आर प्रेजेंट, अगर कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लिगेंट प्रेजेंट हो, मोर देन वन लिगेंट्स आर प्रेजेंट, तो क्या होगा बच्चों, समझो, अगर कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लिगेंट प्रेजेंट होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, राइट इट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हमको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमको उसको लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। सबसे पहले लिगेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आपका ए सिमिलर लिगेंड मतलब सी एन टू तो दो सी एन ए, तो उसके लिए डाई साइनो, अगर इस तरीके से डाई साइनो, ट्राई साइनो ऐसे भी लिख सकते हैं। साइनो मतलब यहाँ पर कोई भी आपके लिगेंड का नाम रहेगा, कोई भी आपके लिगेंड का आईयूपीएसी नाम रहेगा, आईयूपीएसी नेम ऑफ द लिगेंड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बाइडेंटेड लिगेंड रहेगा तो उसकी जगह डाई ट्राई टेट्रा की जगह डाई की जगह बीस, ट्राई की जगह ट्रिस, टेट्रा की जगह टेट्राकिस, ठीक है। देन आफ्टर इफ कॉम्प्लेक्स मोर देन वन लिगेंड, कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट होता है तो हम इसको किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ये तो था, मैंने पहले लिगेंड का नाम लिख लिया, ठीक है। देन आफ्टर कॉम्प्लेक्स में कौन सा पार्ट बचता है, आपका सीएमआई बचता है, ठीक है। तो अगला स्टेप है हमारा नेमिंग ऑफ सीएमआई, अगला स्टेप हमारा क्या बच्चों, नेमिंग ऑफ सीएमआई। तो देख लेते हैं यहां पर नेमिंग ऑफ सीएमआई कैसे लिखेंगे, नेमिंग ऑफ सीएमआई, तो मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर नेमिंग ऑफ सीएमआई। सीएमआई का मतलब क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन। अब देखो सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखना है आपको, अब कैसे लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन का नाम, समझना, हमें सेंट्रल मेटल आयन का नाम इसमें दो कंडीशन है। पहला, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक तो हम क्या लिखेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा तो मेटल के नाम के पीछे हम क्या लगाएंगे, मेटल, we will use suffix at the end of हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स एट, एट द एंड ऑफ मेटल के नेम के पीछे हम सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल के लिए तो ठीक है, जिंक के लिए जिंकेट कर दिया, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो इसको, अगर जिंक था, जिंक के लिए मैंने क्या लिख दिया, जिंकेट,
जिंक के लिए जिंकेट, अगर उन्हें नेगेटिव साइड होगा। कॉपर के लिए क्या लिख दिया, कॉपर के लिए क्या लिख दिया, क्यूप्रेट, क्यूप्रेट, ठीक है क्यूप्रेट। अब देखो यहाँ पर कॉपर के लिए लिख दिया मैंने क्यूप्रेट, ठीक है। अब अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर आयरन, आयरन के लिए आयरनेट नहीं लिखेंगे, उसका लैटिन नेम यूज करेंगे फेरेट। तो आयरन है, तो आयरन तो मतलब होता है क्या आपका Fe, तो इसका मतलब हम उसका सिंपल नेम यूज नहीं करेंगे, हम उसका कौन सा नेम यूज करने वाले, लैटिन नेम जब इसमें होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फेरेट, ठीक है। अगर अगर आपका सिल्वर होगा, सिल्वर होगा तो सिल्वर का मतलब Ag, तो क्या यूज करेंगे, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, ठीक है। अगर आपका आपका गोल्ड होगा तो गोल्ड मतलब Au, Au के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, ऑरेट, ये सब हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एनायन का नेमिंग लिखेंगे। सेकेंड, इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक, अगर कॉम्प्लेक्स अगर कैटायनिक होगा तो हम सिंपली नाम लिख देंगे। हम क्या कर देंगे बच्चों, सिंपली जो नाम होता है वही लिखेंगे, सिंपली नेम लिख देंगे जैसा हम पहले लिखते आ रहे हैं, मतलब आयरन को आयरन भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइनली आफ्टर नेमिंग ऑफ मेटल we have to write its oxidation number in bracket, और ब्रैकेट में जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, वी हैव टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर इन ब्रैकेट विद रोमन नंबर, हमको रोमन नंबर के साथ लिखना है, रोमन नंबर मतलब आप समझो, ब्रैकेट में लगाएंगे तो फोर्थ लिखेंगे, अगर चार होगा ऑक्सीडेशन नंबर तो ब्रैकेट में लगा के फोर लिखेंगे। तो ये तो सारे रूल हो गए, ठीक है, ये तो सारे रूल हो गए। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड के लिए मैंने तीन बताए थे, लिगेंड के लिए मैंने तीन आपको बताए, फिर हमने मेटल आयन के लिए बात कर लिया। अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा तो एट लगाएंगे नाम के पीछे, अगर नहीं होगा तो सिंपल नाम लिखेंगे। और नेमिंग ऑफ मेटल आयन, सारे नेमिंग होने के बाद मेटल के पीछे हम क्या लिख देंगे बच्चों, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल को लेते हैं, समझते हैं, कुछ नए स्टैंडर्ड एग्जाम्पल भी लेंगे, कुछ सिंपल भी लेंगे, सब तरीके के एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो अब हमको आइडेंटिफाई करना है, एक एक करके करते हैं हम एग्जाम्पल सारे, आप लोग वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिए, ठीक है ना। तो एक एक करके मैं आपको सारे एग्जाम्पल कराता हूँ। सबसे पहले ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम आगे का लेक्चर देखेंगे। देखो यहाँ पर आगे का पॉइंट, अब देखो पहला ए के फोर एफ ई सी एन सिक्स, बी आपका है के थ्री एफ ई सी एन फाइव एन ओ, ठीक है, बी सी एन ए जी सी एन टू, ठीक है, सी सी के बाद डी, डी हमने लिखा यहाँ पर एफ ई फोर एफ ई सी एन सिक्स थ्राइस। अगला है हमारे पास यहाँ पर ई में देख लेते बच्चों, यहाँ पर सी ओ सी ओ सी एल एन ओ टू एन ओ टू एन एच थ्री फोर सी एल, ठीक है। ई के बाद आपका होगा एफ, एफ यहाँ पर है आपका सी ओ एन एच थ्री फाइव एन सी एस यहाँ पर सी एल टू, ये आपके कुछ एग्जाम्पल है।
अब हमको इसका नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने के लिए ये बात ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि CMI क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या कौन सा है, ठीक है। ये सब आइडेंटिफाई हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपका देखो सबसे पहले CMI सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, Fe आपका क्या है बच्चों, सेंट्रल मेटल आयन। ये वाला हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये वाला हमारा कौन सा पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो कि आपका कौन सा है, नेगेटिव वाला है। मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक, समझना कैटायनिक है कि एनायनिक है। अब देखो नेगेटिव पार्ट है तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पर आपका 4K+ Fe(CN)6 4-, ठीक है ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारा ये एनायनिक पार्ट है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझते बच्चों कि एनायनिक वाला है, तो सबसे पहले हम सिंपल इसका नाम लिखेंगे। और ये बात ध्यान रहे कि यहाँ पर अगर K4 बोला है तो यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि टेट्रा पोटेशियम लिख दिया, टेट्रा पोटेशियम कभी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओनली पोटेशियम। ये चाहे कितना भी हो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ये चाहे कितना भी हो हम इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों, पोटेशियम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो पोटेशियम सबसे पहला नाम लिख दिया, पोटेशियम। पहले हम हमेशा किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का। पहले हम किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का, उसके बाद एनायन का। अब ये हमारा एनायन है, अब एनायन में ये हमारा CMI है, चलो ठीक है। कॉम्प्लेक्स में पहले हम किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का, उसके बाद किसका नाम लिखते हैं, मेटल का। जो स्टेप बताया वैसे ही कॉम्प्लेक्स में पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिगेंड क्या है बेटा, केवल और केवल CN है। यहाँ पर लिगेंड कौन है, यहाँ पर लिगेंड आपका कौन है बच्चों, CN है। तो CN का नाम क्या होता है, लिगेंड का नाम, IUPAC नेम, साइनो। और कितने हैं, 6। तो क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो। क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो, ठीक है, हेक्सासाइनो लिख दिया। अब ये Fe, अब तुम्हें Fe कौन से साइड है, वो नेगेटिव साइड है कि पॉजिटिव साइड। अब मेटल के नाम के लिए पहला पॉइंट पढ़ो आप लोग, जो अभी मैंने लिखा है उसको रीड करो। मेटल के नाम के लिए पहले पॉइंट में अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है तो हम नाम में क्या लगाते हैं, पीछे 8। नाम में पीछे क्या लगाते हैं हम लोग, 8। तो यहां पर नाम क्या होगा बच्चों, फेरेट, फेरेट, ठीक है, फेरेट हो गया। अब अगर मैं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूं, Fe का मैं क्या निकालना चाहूं बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो FeCN, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों, देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसका, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं नीचे निकालता हूं, XCN के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। कल मैंने बताया था, कल का लेक्चर में वही था, -4। अब यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, X=2। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां ब्रैकेट में रोमन नंबर में क्या लिखेंगे बच्चों, 2। तो ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपका नाम, समझ में आया, काफी इजी है। अब अगला नाम हम लोग लिखते हैं, अगला नाम अब हाँ हम लोग लिखने का ट्राई करते हैं। देखो ये वाला आप लोग होमवर्क करना, मैं आपसे डाउट सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ फ्राइडे को, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 3K+ यहाँ पर Fe(CN)5 NO। अब बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3-। अब बताओ जल्दी से, अब देखो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का या एनायन का। सबसे पहले आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा, इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, पोटेशियम, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका नाम, इन दोनों में नेम में कोई गैप नहीं छोड़ेंगे, नेम में कोई गैप नहीं होगा। ये आपका जो यहाँ पर मैंने गैप लिख दिया है, ये बात ध्यान रखो, अगर बाय द वे कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप गैप नहीं छोड़ेंगे, क्लैरिटी लिखते। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका एनायनिक पार्ट है। अब यहाँ लिगेंड कौन कौन से, यहाँ आपके लिगेंड है CN और NO। अब देखो CN का नाम क्या होता है, साइनो। CN का नाम क्या लिखते हैं, साइनो। और इसका नाम क्या लिखते हैं, नाइट्रोसिस। क्या नाम लिखते हैं इसका, नाइट्रोसिस। अब बताओ यहाँ पर अब मुझे बताओ कि लिगेंड का नाम हम लिखते हैं साइनो, इसका नाम लिखते हैं हम नाइट्रोसिस, तो कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पर, देखो 5 CN है, तो पहले C लिखेंगे कि N लिखेंगे, दो अलग अलग आ गए। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने आपको बताया था, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ जमाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, पेंटासाइनो। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका, पेंटासाइनो लिख दिया। और NO के लिए क्या लिखेंगे, नाइट्रोसिल,
ठीक है, अब Fe के लिए क्या लिखेंगे? Fe कौन से पार्ट में प्रेजेंट है? Fe आपके नेगेटिव पार्ट में प्रेजेंट है। जब Fe अगर आपका नेगेटिव पार्ट में प्रेजेंट होगा, इसका मतलब उसके नाम के पीछे क्या लगाएंगे? 8। उसके नाम के पीछे क्या लगाएंगे? 8। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? फेरेट। और इसके बाद किस चीज की रिक्वायरमेंट है बच्चों हमारे? ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बच्चों इसका, कि कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? यहां पर इसका निकालना है। तो इसको मैंने मान लिया एक्स। CN के ऊपर हमारा चार्ज कितना होता है? 5 CN है। 5 CN के ऊपर चार्ज कितना होगा? -1। और NO के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1। NO के ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चों हमारा? +1। और यहाँ पर -3। देन आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर -5 + 1। -5 + 1 तो कितना हो गया बच्चों? ये आपका -4। और -4 जब उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर एक बार देखो, हाँ -4 अगर आपका उस तरफ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा बच्चों, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर -5 + 1 -4 जब आपका वहाँ जाएगा तो आपका नाम यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट। इसका हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हमारा फर्स्ट। तो इसका होगा फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ। जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वही हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको होमवर्क करना है। नाउ नेक्स्ट वाला देख लेते हैं बच्चों। अब हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ना जरूरी है। अगर आपने तोड़ना सीख लिया तो बाकी सब आ गया। अब देखो Fe+3 है, Fe+3 4 यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा? Fe CN6। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपको नाम लिखना है। नाम किस लिखोगे? सबसे पहले कैटायन का नाम लिखोगे। अब देखो Fe आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है फेरिक, एक होता है फेरस। हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला हमेशा क्या होता है? इक वाला। हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला हमेशा क्या होगा बच्चों? बोलो मेरे साथ, इक वाला। आप लोग मेरे साथ बोला करो, हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला कौन सा होगा? इक वाला होगा। अब हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला आपका इक वाला होगा, तो इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर फेरिक लिख दिया। अब देखो फेरिक तो लिख दिया मैंने यहाँ पर, चलो ठीक है, बाहर वाले का नाम लिख दिया, कैटायन का नाम लिख दिया। अब उसका नाम लिखना है। जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम किसका नाम लिखते हैं बच्चों? सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन का नाम। पहले बात को समझो, सबसे पहले हम लिगेंड का नाम, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम। तो लिगेंड यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर हमारा लिगेंड है CN। CN का नाम क्या होगा? साइनो। लिगेंड का नाम क्या होगा? साइनो। आप लोग जानते हो CN माइनस है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कितने हैं? 6। तो हेक्सा साइनो। कहीं बुकों में आपको साइनाइड भी करके मिलेगा, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे? अब यहाँ पर आपका नेगेटिव साइड है तो इसको बोलेंगे फेरेट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? फेरेट। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं एक्स। यहाँ पर 6 - 1 = -4। देन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आपको आ गया होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर को कहाँ लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर इधर लिखेंगे सेकंड। ठीक है, आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ते हैं। देखो CO Cl NO2 NH3 4। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारा +1, यहाँ पर आ जाएगा -1। ये तोड़ दिया। अब सबसे पहले कैटायनिक पार्ट कौन सा है? यही है। अब इसी का नाम लिखेंगे। अब इसके नाम में देखो बच्चा, बहुत सारे लिगेंट है। कितने लिगेंट आ रहे हैं? 1 2 3 लिगेंट है। देर आर 3 लिगेंट्स। यहाँ पर लिगेंट्स के नंबर कितने बच्चों? 3 है। यहाँ पर लिगेंट्स के नंबर कितने बच्चों? 3 है। कौन कौन से बच्चों? एक Cl है, एक NO2 है, एक आपका NH3 है। अब नाम बदलो, Cl को क्या लिखेंगे? क्लोरो। NO2 को हम बोलेंगे क्या? नाइट्रो। और NONO को हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रो। देखो आपके कॉपी में मैंने लिखा रखा है। NH3 को हम क्या बोलेंगे? अमोनिया। NH3 को हम क्या बोलेंगे? अमाइन। मैंने लिखा रखा है। अब बताओ तीनों में से किसका नाम पहले आएगा?
तीनों लिगेंड में से किसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे? आप नाम से बोलो। आई होप कि आप लोगों को अब आ गया होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले को। किसको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले को। तो नाम क्या होगा बेटा? सबसे पहले तो हमको लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा, केटायन में भी लिगेंड का। तो क्या होगा? टेट्रा अमाइन। क्या होगा इसके बाद? नाइट्रो या क्लोरो। तो क्लोरो आ जाएगा, क्लोरो। फिर आ जाएगा नाइट्रो। फिर क्या होगा बच्चों, नाम बोलो? अब कोबाल्ट। अब देखो, जब भी आपका मेटल आयन पॉजिटिव पार्ट में कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है, तब उसके नाम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, हम सीधा नाम लिखते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट लिख दिया। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर बाहर जो होगा वो चाहे कितने भी हो, उसको हमेशा क्या लिखेंगे? क्लोराइड। सिंपल लिख देंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर सी ओ का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। मेटल के जस्ट बाद ही ऑक्सीडेशन नंबर आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। मेटल के जस्ट बाद ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसका मैंने मान लिया एक्स सी एल, एक्स सी एल पे ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। NO2, एक NO2 के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। ठीक है, NH3 के ऊपर, मतलब चार NH3, कितना चार्ज है? 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा? +1। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू, दिस इज इक्वल टू द 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? आपका थर्ड आ जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों? थर्ड आ जाएगा। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं यहाँ पर नेमिंग को करवा रहा हूँ। ठीक है, नेमिंग करने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सिंपल तरीके की नेमिंग है। आप लोग अगर एक दो बार करोगे तो आई होप कि आप लोगों को गारंटी से आप लोगों को आ जाएगा, आप लोगों को पक्का आ जाएगा। अगर आप एक दो बार करोगे तो आप लोगों को ये नाम पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। एनओ के ऊपर प्लस सी एन प्लस -5 +1 -4 -4 उस तरफ गया तो ठीक 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 चलो। हाँ, अगला नेक्स्ट एफ वाला देख लेते हैं। अब हम एफ वाला एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। एक पेंटा अमाइन नाइट्राइट्रो अमाइन कोबाल्ट 3rd। ठीक है, अब हम अगला नाम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर इसका देखो, इसमें अब हम इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। कौन कौन से? CO NH3 5 NCS। ये थोड़ा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2- और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2Cl। सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 2+, यहाँ पर Cl-। अब हम नाम कैसे लिखेंगे बच्चों? इसका नाम लिखने का तरीका, यहाँ पर कितने लिगेंट हैं? यहाँ पर लिगेंट आपके कितने हैं? यहाँ पर कितने लिगेंट हैं आपके? दो लिगेंट है, एक NH3 है, एक NCS है। NH3 को हम क्या बोलेंगे बच्चों? अमाइन। और NCS को क्या बोलेंगे? आइसोथायोसाइनो। ठीक है, आइसोथायोसाइनो। अब हम लिगेंट हैं, अब हमको नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे बच्चों इसका? बोलो। पेंटा अमाइन, और सबसे पहले केटाइन पार्ट है, केटाइन पार्ट में लिगेंट का नाम लिखेंगे पेंटा अमाइन। यहाँ पर हो जाएगा आइसोथायोसाइनो। 5 था इसलिए पेंटा, और यहाँ पर ए है, यहाँ पर आई है। बताओ किसका नाम लिखेंगे? ए का लिखेंगे ना, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका लिखा CO। आप देखो, केटाइनिक पार्ट में तो सिंपल लिखेंगे कोबाल्ट। ठीक है बच्चों, लिख दिया। अब बाहर क्या है? क्लोराइड है। तो मेटल आयन के बाद ब्रैकेट लगता है हमेशा, मेटल आयन के बाद हमेशा क्या लगेगा बच्चों? ब्रैकेट। देन आफ्टर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ठीक है, अब बातों को ध्यान से समझो यहाँ पर कि इस, अब मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर, कल भी मैंने बताया था लिखना। अब अमाइन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 0। अमोनिया के ऊपर, NCS के ऊपर कितना होता है? -1, और ये +2। तो टोटल एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका थर्ड। क्लियर है? ये चीज़ आप अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये एग्जांपल आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग एक बार इसको करने की कोशिश करना, डील करने की कोशिश करना। और भी हम अदर एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और भी हम अदर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। देख लेते हैं यहाँ पर। G
K2HgI4, ठीक है, HFeCO5, CrOX3, 3-, J आपका हो जाएगा यहाँ पर, जे यहाँ पर लिखा देता हूँ बच्चों में, जे आप लिख लो यहाँ पर, CuEn थ्राइस Cl3, के लिख लो यहाँ पर, के मैं आपको लिखा देता हूँ, PtNH2 CH2 CH2 NH2 NH2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर NH2 ट्वाइस Cl2 और यहाँ पर आपका Cl2, ठीक है, ये है हो गया। L L दे दी, देख लेते हैं यहाँ पर, NH4 को ट्वाइस कर लो, यहाँ पर आ जाएगा NiCO4 ट्वाइस H2O ट्वाइस, ये हो गया। हाँ, अभी हमको इसका नाम लिखना है, अभी हमको केवल और केवल इन सब का नाम लिखने की कोशिश करना है, ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल है, इन सब का नाम लिखना है। देख लेते हैं अब इन सब का नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, सबसे पहले हम फिर इसको क्या क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2K+ + HgI4 क्या जाएगा, 2-। इसको एक्चुअली नेस्लर रिएजेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट। अभी मैं आपको यूजेज में लिखवाऊंगा सब, इसको क्या बोला जाता है, नेस्लर रिएजेंट। तो इस बात का वो आप ध्यान रखोगे, आगे काम आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसका नाम लिखने के लिए, इसका नाम अब हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो आप समझना बात, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, पहला नाम तो हम सिंपल लिखते हैं पोटेशियम, इसको मैंने पोटेशियम लिख दिया। अब यहाँ पर लिग आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा पार्ट में, एनायनिक पार्ट में। अगर आपका एनायनिक पार्ट में कॉम्प्लेक्स होता है, इसका मतलब उसमें, अब कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का, तो लिगेंड का नाम लिखो फोर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेट्रा आयोडो, ठीक है। और यहाँ पर लिगेंड कौन सा था, आयोडीन था, तो इसका नाम तो एक ही था, तो आयोडीन का नाम क्या लिखते हैं, आयोडो लिखेंगे, ठीक है ना। और MHG, HG अब कौन से पार्ट में, आपका जो मेटल है वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट में, और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पार्ट में नाम के पीछे क्या लगाते हैं, एट, तो HG को हम क्या वो बोलते हैं, HG को हम मर्क्यूरेट भी बोलते हैं, HG को हम क्या बोलेंगे, मर्क्यूरेट, तो लिखेंगे मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। अब देखो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, X+ आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, इक्वल टू -2, देन एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाएगा +2। अब +2 को हम किस में लिखेंगे बच्चों, रोमन नंबर में, मेटल के बाद, आ गया ये समझ में, ठीक है। अगला देखो, अगला एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल तो बहुत बढ़िया है, क्या इस पर कोई चार्ज है, नहीं है, दिस इज दिस इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसका नाम सिंपली लिखेंगे, सबसे पहले क्यों कोई नहीं है तो सिंपली हम नाम लिखना स्टार्ट करेंगे इसी का। अब इसमें भी हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का, तो लिगेंड क्या है बच्चों यहाँ पर, लिगेंड क्या है ये बच्चों यहाँ पर, CO, और CO का नाम क्या होता है बच्चों, आप लोगों को लिखवाया है कार्बोनाइल। अब बोलो क्या होगा, कितने, 5 है, तो क्या लिखेंगे नाम इसका, पेंटा कार्बोनाइल। अब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो X, और CO पे ऊपर चार्ज आपका कितना होता है बच्चों, यहाँ पर 0, और टोटल कितना हो गया, 0, तो X इक्वल टू क्या हो गया, 0, पेंटा कार्बोनाइल यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज नहीं है तो हम उसको सिंपल भी लिख सकते हैं, आयरन भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे इसको, आयरन 0, ये बात ध्यान रखो, बस इसको ध्यान रखो। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, अब यहाँ पर कैटायनिक पार्ट है, नहीं है, जब नहीं है तो नहीं लिखेंगे नाम,
अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको कैटायनिक पार्ट का नाम नहीं लिखना, सीधा नाम लिखो। अब देखो ये कौन सा लिगेंट है, लिगेंट आपका कौन सा है, लिगेंट आपका है OX, OX का मतलब ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो। और बाइडेंटेड लिगेंट के नाम के आगे हम क्या लिखते हैं, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ठीक है, डाई की जगह। तो यहाँ पर कितने, तीन है ना, तीन है, तो इसके लिए नाम के पीछे, नाम के आगे मैं क्या लिखूंगा, ट्रिस ऑक्सिलेटो, ट्रिस ऑक्सिलेटो। अब इसके बाद क्या लिखूंगा बच्चों, यहाँ पर क्रोमियम, मेटल का नाम लिखूंगा। मेटल कौन से में बच्चों, नेगेटिव वाले में। मेटल किस में बच्चों, यहाँ पर मेटल आपका नेगेटिव वाले में प्रेजेंट है। मेटल आपका किस में प्रेजेंट है बच्चों, नेगेटिव वाले में। यहाँ पर आपका मेटल किसके अंदर प्रेजेंट है, नेगेटिव वाले के अंदर। तो नेगेटिव वाले के अंदर अगर आपका मेटल प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब उसके नाम के आगे हम क्या लगाएंगे, एट। तो यहाँ पर क्रोमियम के नाम के आगे मुझे लगाना है एट, तो क्या करेंगे, क्रोमेट, क्रोमेट। ये नेगेटिव साइड है ना, इसलिए यहाँ पर एट लगा रहे, जहाँ नेगेटिव नहीं है वहाँ नहीं लगा रहे, क्रोमेट। अब क्रोमेट लिखने के बाद मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है, इसको माना X, यहाँ पर आपका कितना है, थ्री। OX के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस टू, तो यहाँ पर माइनस टू इक्वल टू यहाँ पर कितना है, माइनस थ्री। देन आपका क्या आ जाएगा, X इक्वल टू थ्री आ जाएगा बच्चों, माइनस सिक्स माइनस थ्री, यहाँ आ जाएगा प्लस सिक्स प्लस थ्री माइनस थ्री, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा क्रोमेट, कितना चार्ज है बच्चों यहाँ पर, थर्ड। समझ में आ गया, आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी नाम खत्म नहीं हुआ, क्या यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है, क्या चार्ज को कोई बैलेंस कर रहा है। इफ अगर आपके चार्ज को कोई बैलेंस ना करे तो उसके नाम के पीछे क्या लगाते हैं हम लोग, आयन। उसके नाम के पीछे हम क्या लगाते हैं, आयन। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, आप लोग खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखने की कोशिश करो, फिर आप आंसर को चेक करो, ठीक है, आपको आ जाएगा। देखो इसको हम तोड़ेंगे बच्चों दो पार्ट में, दो पार्ट में हम इसको तोड़ने वाले हैं। कौन से दो पार्ट में तोड़े बच्चों, सीओ ई एन थ्राइस, और यहाँ पर थ्री प्लस, और यहाँ पर थ्री सी एल माइनस। ये मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया। अब यहाँ पर लीगेंट कौन सा है ये भी आइडेंटिफाई कर लो। लीगेंट आपका है ई एन, और ई एन का नाम हम कैसे लिखते हैं, इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन लिखते हैं। अब बोलो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले केटैन का नाम लिखेंगे, तो मतलब इसका नाम लिखेंगे। अब केटैन में क्या आ गया आपका, कॉम्प्लेक्स आ गया, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगेंट का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर ई एन आपका लिगेंट है। कितने लिगेंट है आपके, तीन लिगेंट है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई, ट्राई इथाइलिन, ट्राई नहीं सॉरी बाइडेंटेड है। लिगेंट आपका किस टाइप का है बच्चों, बाइडेंटेड। अब बाइडेंटेड टाइप का लिगेंट है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखने वाले ट्रिस, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, ट्रिस, आगे बोलो इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमाइन, ये मैंने नाम लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, मेटल का नाम। क्या मेटल आपका नेगेटिव साइड है, नहीं है, तो अगर नेगेटिव साइड नहीं होता है, पॉजिटिव साइड होता तो सिंपल नाम लिख देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों आपका, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर भरना है, वो बाद में भरते हैं, लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है बाद में, वो एनायन पे आपका क्लोराइड है, एनायन पे आपका क्या है बच्चों, क्लोराइड है। अब आप लोग ये गलती करोगे, आप लोगों से मिस्टेक कौन सी होगी कि जो आपने थ्री लिखा है इसको लिखोगे ट्राइक्लोराइड, ये नहीं लिखा होगा आप लोगों ने। अगर आपसे खुद से लिखने की कोशिश की होगी तो अभी आपने लिखा होगा यहाँ पर ट्राइक्लोराइड, तो ट्राइक्लोराइड को हमको नहीं लिखना है, हमको केवल बाहर सिंपल लिखना है, ठीक है। बाहर हमको भी कैसे लिखना है बच्चों, सिंपल लिखना है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, निकालो इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्स। अब यहाँ पर थ्री है, कितने ई एन है बच्चों, यहाँ पर कितने ई एन है, यहाँ पर ई एन मतलब इथाइलिन डायामाइन, इथाइलिन डायामाइन मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर, सीधा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखो, क्या उस पर किसी टाइप का चार्ज है, नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चार्ज नहीं है तो जीरो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस थ्री, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, प्लस थ्री। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर थर्ड। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब इसको सबसे पहले आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ देंगे। तोड़िए सबसे पहले दो पार्ट में, दो पार्ट में तोड़िए सबसे पहले इसको,
CaNH2 CH2 CH2 NH2 ठीक है, ट्वाइस Cl2 और इसको दो पार्ट में तोड़ा तो यहां पर 2 प्लस यहां पर 2Cl माइनस ठीक है। अब यहां पर आपका लीगेंड कौन कौन सा है, लीगेंड आपका कौन सा है बच्चों, अब कुछ पहचानोगे अगर मैंने आपको पीछे अगर देखोगे पेज पलटोगे तो इसको हम बोलते हैं EN, इस सबको हम क्या बोलते हैं EN, देखो आप लोग नोटिस करो मैंने लिखवाया था इन सबको हम क्या बोलते हैं बच्चों EN ठीक है। तो लिगेंड कौन कौन से बच्चों यहाँ पर EN है और एक लिगेंड आपका कौन सा है बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्लोरीन, एक लिगेंड आपका कौन सा है Cl माइनस, तो यहाँ पर एक लिगेंड है आपका बच्चों यहाँ पर Cl माइनस और एक लिगेंड है आपका EN ठीक है, दो लिगेंड है। अब EN का नाम कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका इथाइलिन से, आपका इथाइलिन डायमाइन से ठीक है, इथाइलिन डायमाइन से, और Cl का नाम कहाँ से स्टार्ट होता है क्लोरो से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, आपको सोचिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग प्रायोरिटी देंगे क्लोरो को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे बच्चों क्लोरो को। तो यहाँ पर नाम क्या होगा बच्चों जल्दी बोलो, यहाँ पर हो जाएगा दो क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे डाई क्लोरो या फिर क्लोराइड हो, कई बुकों में आपको क्लोराइड मिलेगा कई बुकों में क्लोरो मिलेगा, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं एक ही चीज को, कई बुकों में क्लोराइड मिलेगा कई बुकों में क्लोरो मिलेगा, बोथ आर करेक्ट, कई बुकों में आयोडाइडो मिलेगा कई बुकों में आयोडो मिलेगा, बोथ आर करेक्ट ठीक है। हम क्लोरो लिख रहे हैं, अब बोलो यहां पर क्या होगा, अब दो है, दो क्या है इथाइलिन डायमाइन, और इथाइलिन डायमाइन आपके किस टाइप का है बच्चों बाइडेंटेड, और बाइडेंटेड में हम क्या डाई ट्राई यूज करते हैं, नहीं, हम डाई की जगह 20 और ट्राई की जगह 30, तो यहां पर दो है तो यहां पर क्या यूज करेंगे 20 इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमाइन लिख दिया ये मैंने। अब इसके बाहर क्या जुड़ा हुआ है क्लोरीन, क्या यहां डाई क्लोराइड लिखेंगे, नहीं, यहां पर सिंपल क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, सॉरी इसके बाद तो मेटल तो छोड़ ही दिया मैंने, अब मेटल का नाम, अब मेटल कौन है बच्चों यहां पर प्लेटिनम, अब प्लेटिनम कौन से साइड है पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है, मेटल कौन से साइड है पॉजिटिव साइड है, तो यहां पर नीचे लिख देता हूं बच्चों मैं इसको इधर लिख देता हूं EN इथाइलिन डायमाइन डायअमाइन और Cl का नाम क्लोरो ठीक है। अब इसको लिख देंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम लिख दिया मैंने प्लेटिनम, अब यहां रोमन नंबर में मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, देन आफ्टर अब बताओ अब बाहर क्या है क्लोरीन है, अब इसको मैं दो डाई क्लोराइड छोड़ के लिखूंगा, इसको मैं बाहर क्या लिखूंगा क्लोराइड, बाहर वालों को सिंपली लिखते हैं, बाहर वालों को जैसे बचपन में लिखते आ रहे हैं NaCl को Cl- को क्लोराइड वैसे लिखेंगे, KCl को पोटेशियम क्लोराइड वैसे लिखेंगे बाहर वालों को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो है आपका अंदर वाले में, अंदर वाले का नाम लिखना प्रैक्टिस करो ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, Pt का कितना होगा X, अब En के ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चों 0, Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है -1 इक्वल टू +2, नाउ क्या होगा बच्चों यहाँ पर, अब देखो -1, अब दोनों यहां चले जाएंगे तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों +4, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहां पर कितना आ जाएगा प्लेटिनम आपका 4 आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे बच्चों, हम दो पार्ट में फिर तोड़ेंगे, अब अमोनियम है तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो इसको दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे बच्चों देख लेते हैं, NH4+, एक तो दो NH4+ हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा Ni C2O4 twice H2O twice और यहाँ पर आ जाएगा आपका दो प्लस चार्ज है तो दो माइनस चार्ज ठीक है। अब फिर से यहाँ पर सबसे पहले इसका नाम NH4+ को हम क्या लिखते हैं अमोनियम, अरे NH4 वो NH4 आपने अब तो कई बार क्वेश्चन सोल्व करते करते आपके रास्ते में पड़ गया होगा अमोनियम NH4+, तो NH4+ को हम क्या बोलते हैं बच्चों अमोनियम, NH4+ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पर अमोनियम, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अमोनियम लिख दिया। अब इसके बाद हम किस तरीके से नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों लीगेंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग लीगेंट, यहाँ पर क्या लिखने वाले बच्चों हम लोग यहाँ पर लीगेंट। अब देखो लीगेंट आपके कौन कौन से होंगे उसको समझेंगे हम लोग, लीगेंट आपके कौन कौन से होंगे उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे, तो यहाँ पर आपके लीगेंट है बच्चों दो टाइप के, कौन कौन से दो आपके लीगेंट है, यहाँ पर आपके कितने लीगेंट है बच्चों दो लीगेंट है, कौन कौन से बच्चों यहाँ पर, एक तो आपका
C2O4, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो। अगर ध्यान से ज्यादा देखोगे तो ये आपका OXC है, मैंने लिखवाया था, ठीक है। इसका नाम क्या होता है बच्चों, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, ठीक है। और H2O को हम क्या लिखते हैं, एक्वा। अब तुम लोग खुद बोलो कि आपको कौन सा लिखना पहले पसंद है, ये या ये, आप लोग खुद डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा लिखना पहले पसंद है, नीचे वाला या ऊपर वाला। आप लोगों को खुद आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि ए पहले आता है। तो सबसे पहले अमोनियम, अब इसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो क्या लिखेंगे, डाई एक्वा। अब यहाँ पर बाइडेंटेड है, कौन सा है बच्चों, ये भी आपका बाइडेंटेड है। अगर ये आपका बाइडेंटेड है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, बेस, क्या लिखेंगे, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो लिख दिया। अब इसके बाद जो ये है इसका नाम लिखेंगे, अब ये क्या है, मेटल, CMI। CMI कौन से साइड है बच्चों आपका, नेगेटिव साइड है। CMI आपका नेगेटिव साइड है। CMI आपका कौन से साइड है बच्चों, नेगेटिव साइड है। अब अगर CMI अगर आपका नेगेटिव साइड है तो उसमें नाम के पीछे क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। नाम के पीछे क्या लगाते हैं बच्चों, एट लगाते हैं। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, निकलेट, निकलेट, ठीक है। इसके बाद हम रोमन नंबर में क्या लिखते हैं, इसके बाद हम रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, इसको मैंने लिख दिया एक्स। यहाँ पर टू C2O4 के ऊपर, मतलब ऑक्सीलेटो के ऊपर चार्ज कितना होता है, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें देखो C2O4 के जो ऊपर चार्ज होता है -2, तो दो C2O4 के ऊपर 2 × -2 प्लस H2O के ऊपर, कभी आपने चार्ज देखा है, नहीं देखा होगा, तो ये आपका 0, ये आपका -2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर, -2 × -2 -4। अब -4 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, देन एक्स इक्वल टू +2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेकेंड। आई होप सो कि आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ये काफी सिंपल थे, अगर आपने इतने क्वेश्चनों को 5 से 6 बार किया, मैं आपको सिंपल वर्क बोल रहा हूँ, मैं आपको डोंकी वर्क नहीं बोल रहा हूँ। आप लोगों को लगेगा कि सर एक ही क्वेश्चन को 5 से 6 बार करा रहे हैं, अगर हम किसी एक क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को 5 से 6 बार करते तो हमको केमिस्ट्री के वो कंसेप्ट याद हो जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन को 5 से 6 बार आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट टाइप के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और। अब देखो कुछ अलग मेथड वाले हैं। अब देखो इन सब में तो हम लोगों को एक ही तरीका लगाना पड़ रहा है, इन सब में हमको एक ही तरीका लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अब जो है वो इम्पोर्टेंट है, अब जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो के हो गया, के एल, एल हो गया था, के एल एम, एम देख लेते बच्चों, पी टी, ये पी टी है, पी टी NH3 4 ट्वाइस Fe CN6, ठीक है। एम एन ए जी NH3 ट्वाइस थ्राइज, यहाँ पर 3 आ गया, Fe C2O4 3, ठीक है। और एक है आपका MnO, अब हो जाएगा AgNH3 ट्वाइस AgCN2, AgCN2, ये। अब देखो इस टाइप को हम कैसे डील करेंगे, देखो सम जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, मैं लिख देता हूं यहां पर सम जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब स्टेबल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, प्लेटिनम के ऊपर हमेशा +4 और +2 होने चाहिए, निकल के ऊपर +4 और +2 होगा चलेगा, दोनों में से कोई एक होगा चलेगा। Fe के ऊपर आप लोग जानते हो +3 +2, ठीक है। Ag के ऊपर हमेशा क्या होना चाहिए, +1। Cu के ऊपर आपका होना चाहिए +2 +1, ठीक है। Zn के ऊपर ऑलवेज आपका होना चाहिए +2, ठीक है।
इसके अलावा और भी ये एग्जाम्पल इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। सी डी के ऊपर आपका होना चाहिए प्लस टू, सी डी के ऊपर प्लस टू, सी ओ के ऊपर आपका प्लस टू चलेगा, सी आर के ऊपर आपका हो जाएगा प्लस थ्री, यहाँ तक आपका चल सकता है। ये कुछ है जो इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में हेल्पफुल होंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना काफ़ी है, दैट इज सफिशेंट, ये आपका सफिशेंट है, याद कर लेना है इसको, ठीक है। अब देखो, अब इसमें तो कोई चार्ज आपको दिख ही नहीं रहा, अब इसमें तोड़ेंगे कैसे, इसमें तोड़ेंगे कैसे, अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें तोड़ने का कैसे हम लोग सोचेंगे। देखो, सबसे पहले इसको मैं यहाँ भेजता हूँ और यहाँ पर दादा देखो, इसको मैं यहाँ भेजता हूँ, इसको तोड़ के देख लेता हूँ, ठीक है ना। NH3 आगे वाला तो हमेशा क्रिकेट आई नहीं होगा, ये यहाँ जाएगा प्लस टू और ये यहाँ आएगा तो प्लस वन, ये प्लस वन और यहाँ पर Fe(CN6-2), ये वाला ऊपर जाएगा ना, यहाँ पर लिखा है तो ये ऊपर जाएगा और इसका वाला इधर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बचपन में करते थे, ठीक है। अब इससे पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक करूंगा, इससे पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक करूंगा। अब देखो पीटी का क्या ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, यहां पर पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैंने एक्स प्लस फोर जीरो इक्वल टू प्लस वन, तो एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है प्लस वन, क्या ये पीटी का एप्लीकेबल है, क्या ये हो सकता है, क्या ये आपका हो सकता है, नहीं, पीटी का वन तो हो नहीं सकता, पीटी का फोर या टू आना चाहिए। तो अब हम इसको तोड़ने का तरीका बदलेंगे, अब हम यहाँ पर इसको तोड़ने का तरीका बदलेंगे। तोड़ने का तरीका क्या होगा बच्चों, अगर मैंने पीटी को प्लस टू लाने के लिए यहाँ पर लिख दिया पीटी NH3-4, यहाँ पर लिख दिया प्लस टू, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया Fe(CN6-4). अब देखो अगर मैंने इसके बाद भी इसको किया तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर 2 और 1 आ जाएगा, अपने आप वही बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे, तोड़ने का तरीका ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पर पीटी का निकाल के देखो ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, देखो एक्स एक्स इंटू फोर इंटू जीरो इक्वल टू प्लस टू, तो एक्स कितना आ गया बेटा प्लस टू, तो यहाँ पर पी टी का कितना हो गया प्लस टू। अब यहाँ पर एफ ई का निकालो, ये आपका एक्स प्लस सिक्स इंटू माइनस वन इक्वल टू माइनस फोर, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये उधर जाएगा तो प्लस टू, तो इस पर कितना आ गया बच्चों प्लस टू आ गया, ठीक है। इस पर कितना आ गया बच्चों आप लोगों का प्लस टू, समझ में आ गया, इस पर आ गया आप लोगों का प्लस टू। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब देखो कैटायन भी आपका कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी आपका क्या है बच्चों कॉम्प्लेक्स है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब कैटायन भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। तो कैटायन पार्ट में लिगेंड कौन है, अमोनिया। तो क्या नाम लिखेंगे बच्चों, आप बोलो जल्दी जल्दी, अब आराम से हो जाएगा, बोलो नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा, यहीं हटा देता हूँ, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम, और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया सेकंड, और अब किसका नाम लिखेंगे इसका। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव वाला है और यहाँ पर मेटल के नाम के बाद में क्या लिखेंगे एट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हेक्सा साइनो फेरेट, ठीक है, और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया यहाँ पर एट क्यों लगाया, अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वाला आप लोगों को खुद से एक बार ट्राई करना है, ठीक है, खुद से एक बार कोशिश करिए आप लोग। ये वाला मैं बताता हूँ, अब देखो इसको किस पार्ट में तोड़ना है, अब तो ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, तो अब हम ऐसा सोच सकते हैं क्या ये शायद से यहाँ पर प्लस वन हो, यहाँ पर माइनस वन हो, हाँ होप श्योर, क्यों नहीं सोच सकते। अब देखो एक बार मैं इसको प्लस वन और माइनस वन में तोड़ के देखता हूँ, देखो प्लस वन और माइनस वन में तोड़ के, अगर मैंने इसको प्लस वन में तोड़ा और इसको मैंने माइनस वन में तोड़ा, किसको तोड़ा, इसको मैंने माइनस वन में तोड़ा, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा बच्चों, देखो एक्स इक्वल टू टू इंटू जीरो प्लस वन, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस वन, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, एक्स इक्वल टू टू इंटू माइनस वन इक्वल टू माइनस वन,
देन x इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। दोनों पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और Ag का कितना एप्लीकेबल है, 1, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1, ठीक है। अब कैटेनिक पार्ट में ये है, यहाँ पर लिगेंड क्या है बेटा, अमोनिया है, तो इसका नाम लिख लेते हैं, यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ बच्चों में, देखो इसका नाम, इसका क्या लिखेंगे, दो अमोनिया है तो क्या लिखेंगे, डाई अमाइन, अमाइन डबल एम वाला, डबल एम वाला ध्यान रखना, डाई अमाइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो हम लिख सकते हैं सिल्वर, इसका सिंपली लिख सकते हैं सिल्वर, सिल्वर क्या बच्चों, फर्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों इसका, फर्स्ट, ठीक है। और इसका क्या लिखेंगे बेटा बोलो, आगे इसका नाम डाई साइनो, साइनो बोलो या साइनाइडो बोलो, मैं कई बार बोल चुका हूँ, साइनो बोलो या साइनाइडो बोलो, बात एक ही है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, डाई साइनो, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, देखो नेगेटिव वाला है ना, नेगेटिव वाले में लेटिन नेम के साथ एट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर इधर कर देता हूँ, x इक्वल टू प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ मैं, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट लिख लिया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, फर्स्ट है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हम लगा देंगे फर्स्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू हमने नाम लिखना सीखा है, ठीक है। अब हमारा बचा है एक अलग टाइप का कंपाउंड, उसको सीखने के बाद कल हम स्टार्ट करेंगे बच्चों वार्नर थ्योरी, वार्नर थ्योरी के बाद ईएन रूल को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। ईएन रूल को हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे, वार्नर थ्योरी, ईएन रूल, देन आफ्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में वीबीटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छे से लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।